बॉलीवुड के लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से सुशांत सिंह राजपूत केस में सामने आया था ड्रग एंगल, और ऐसे में इस ड्रग एंगल का सच सामने आते ही एनसीबी ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी और इस बीच कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के रहे दोस्त और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी आज भी जेल की सजा काट रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी एक बार फिर से जेल से बाहर निकलने के लिए फिर से जमानत याचिका को कोर्ट में अपील करने वाला है। पहले सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। सिद्धार्थ पिठानी की वकील तारक सैयद ने खुद इस बारे में खुलासा किया है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद हम इस हफ्ते जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। खबरों की माने तो सिद्धार्थ पिठानी के फोन और व्हाट्सएप चैट से ऐसी कुछ जानकारियां मिली थी जिससे पता चला था कि सिद्धार्थ पिठानी का संबंध सीधे तौर पर ड्रग पेडलर्स के साथ था। इसके बाद सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया था। पिठानी ने पहले भी अपनी जमानत याचिका अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि जुलाई के महीने में हैदराबाद में शादी करने के लिए 15 दिन का मौका दिया गया था सिद्धार्थ पिठानी को, लेकिन 15 दिन बाद फिर से सिद्धार्थ पिठानी जेल के अंदर पहुंच गए थे। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।